नमस्कार। बिहारी जी के कवि के जो दोहे हैं उनके बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पहला प्रश्न आता है, बिहारी कवि ने सबकी उपस्थिति में बात करने के लिए क्या सुझाव दिया है? तो वो कहते हैं कि नैनों की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये कहा जा रहा है बिहारी जी के द्वारा। उसके बाद मनोनीलमणि शैल पर आतपो पर्यो प्रभात, इसमें बिहारी जी क्या कह रहे हैं? यहाँ पर बिहारी जी जो हैं नीलमणि पर्वत से श्री कृष्ण के सौंदर्य की तुलना कर रहे हैं। उसके बाद हमारा प्रश्न आता है, जानवरों ने जगत को तपोवन कैसे बनाया? यहाँ पर तपोवन कैसे बनाया जानवरों ने, तो ये वाला जवाब सही है। तपती दोपहर में एक साथ रह करके। प्रश्न आ जाता है, जप माला छापे तिलक सरेन एको काम, इस पंक्ति में बिहारी ने क्या संदेश दिया है? यहाँ पर बिहारी जी कहते हैं कि बाहरी आडंबरों से ईश्वर नहीं मिला करते हैं, तो हमें बाह्य आडंबरों से दूर रहना चाहिए। प्रश्न आ जाता है, बिहारी के दोहों की क्या विशेषता है? तो बिहारी के दोहों की विशेषता है, गागर में सागर हैं, थोड़े ही शब्दों में गहरी बात समाई हुई है इनके दोहों में। अगर आपको और किसी चैप्टर के MCQ पढ़ने हैं तो मुझे इस कमेंट में ज़रूर बता देना, और मानवीय गलतियों से कोई प्रश्न गलत भी हो जाता है तो आप मुझे वो भी कमेंट में बता देना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न लिखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, सोहत का क्या अर्थ है? सोहत का यहाँ पर जो अर्थ है वह है अच्छा लगना। प्रश्न आ जाता है, नीलमणि शैल का क्या अर्थ है? शैल उदक पर्वत, तो नीलमणि पर्वत। प्रश्न आ जाता है, बिहारी के अनुसार ईश्वर कैसे प्राप्त होते हैं? तो बाह्य आडंबरों का जब हम त्याग कर देते हैं तो हमें ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं। प्रश्न आ जाता है, राम कहाँ बसते हैं? सच्चे हृदय में। प्रश्न आता है, श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई? तो नीलमणि पर्वत से। प्रश्न आ जाता है, देखी दोपहरे में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है यहाँ पर, अलंकार जो है अनुप्रास है। संदेश ना भेज पाने वाली नायिका कैसी है? वह विरह से और लोकलाज से भरपूर है। प्रश्न आता है, केशव केशव राई के दो अलग अलग अर्थ बताएं, तो श्री कृष्ण और बिहारी के पिता। गोपियाँ किस प्रकार से श्री कृष्ण को खिजाती हैं? उनकी बांसुरी को छिपा करके। आडंबर और पाखंड के लिए बिहारी क्या कहते हैं? कि आडंबर और पाखंड किसी के काम नहीं आते हैं, लेकिन अधिकांश लोग जो हैं आडंबर के चक्रों में पड़े रहते हैं। उसके बाद, तपती दोपहरी ने संसार को क्या बना दिया है? तो तपोवन। बिहारी का जन्म कब और कहाँ हुआ? सन 1595 में ग्वालियर में। बिहारी ने काव्य की शिक्षा कहाँ से पाई? आचार्य केशवदास से। बिहारी स्वभाव से कैसे थे? विनोदी और व्यंग्य प्रिय, यानी ऑप्शन ए। बिहारी की रचना का नाम बताइए, बिहारी सतसई। बिहारी की कितनी रचनाएं हैं?
तो एक ही रचना है। सतसई में कितने दोहे हैं? 800। बिहारी की कविताएं किस रस से भरपूर हैं? यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, सॉरी। उसके बाद प्रश्न आ जाता है, बिहारी की भाषा कौन सी है? मानक ब्रज भाषा है। सतसई में मुख्यतः किस तरह के दोहे होते हैं? प्रेम और भक्ति रस के। बिहारी मुख्य रूप से किस तरह के दोहों के लिए जाने जाते हैं? तो श्रृंगार प्रक दोहे जो है उनके लिए जाने जाते हैं। छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है? जेठ की दोपहर की जो तीखी वाली गर्मी होती है उसमें। बिहारी की नायिका नायक से क्या कहती है? वह कहती है उसके हृदय की बात स्वयं जानने को कहती है, यानी बी ऑप्शन। सच्चे मन में राम बसते हैं, इसका अर्थ बताइए। तो हृदय की सच्चाई ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी को क्यों छुपा लेती हैं? उनसे बात करने के लिए। ये सही जवाब है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।